हे गाइस, मैं हूँ पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ समर स्किन केयर के अंदर वन ब्रांड स्किन केयर, क्योंकि आप लोगों में से ही लोगों ने मुझे बोला था कि आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट बताते हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ब्रांड की सारी चीजें हम यूज करें। ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर आप एक ही ब्रांड या एक ही ब्रांड की चीज यूज करते हैं या उन्हीं से रिलेटेड चीज यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी स्किन केयर है वो ज्यादा अच्छे से हो पाती है, जो आपकी स्किन है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करती है प्रोडक्ट के लिए लेकर, क्योंकि आप किसी भी तरीके का अलग केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप नोटिफाई रहे मेरी हमेशा आने वाली वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्किन केयर के अंदर मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुछ जो एसेंशियल है वो करना ही पड़ता है, लाइक फेस वॉश करना पड़ता है, टोनर अप्लाई करना पड़ता है, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। अच्छा, आप स्क्रबिंग और मास्क आप अपने ऊपर है, आप घर का बना हुआ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं या घर का बना हुआ मास्क भी यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। तो आज जो मैं ब्रांड का बात करने वाली हूँ वो है न्यूट्रीजीना ब्रांड। बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और सभी लोग जानते हैं कि ये कितना अच्छा काम करता है स्किन केयर के लिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फेस वॉश की, तो मेरे लिए आप लोगों के पास है, क्योंकि समर है तो जरा ऑयल फ्री की तरफ चलते हैं, तो न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन ऑयल फ्री फेस वॉश है। वो मैं आप बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है, पंप पैकेजिंग के साथ आता है, बहुत अच्छे से लैदर होता है स्किन के ऊपर, जरा सी अमाउंट आपको चाहिए होती है और आपके जो पोर्स है उनको वो डीप क्लीन करता है। तो मेरा पहला पिक आप लोगों के लिए है न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन ऑयल फ्री फेस वॉश। जो सेकंड बात करते हैं वो है टोनर की, तो मेरे पास आप लोगों के लिए है न्यूट्रीजीना का ही ब्लैकहेड एलिमिनेटिंग टोनर। ये टोनर बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली इसको यूज कर चुकी हूँ। ये मेरी सेकंड बोतल है जो ऑलमोस्ट फिनिश है, ये मैं कभी कभार यूज कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे जो पोर्स है वो बंद हो रहे हैं। लेकिन आज हम वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल की बात स्किन केयर की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो आपका सेकंड पिक है वो ये है न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन ब्लैकहेड एलिमिनेटिंग टोनर। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप कमेंट में डाल दूंगी, आप जरूर चेकअप कीजिएगा। मेरा जो थर्ड पिक है आप लोगों के लिए वो है न्यूट्रीजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। अच्छा, अब समर की बात है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो जो पोर्स है वो खुल जाते हैं, क्योंकि पसीना बहुत आता है, एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन से, तो उन सभी के लिए हमको चाहिए कि वो सभी चीजें कंट्रोल रहे। अगर कोई मेकअप करते उनका मेकअप जल्दी मेल्ट ना हो, निकले ना, पसीने के साथ हमको इरिटेशन ना हो, पोर्स जो हो वो क्लॉग ना हो, तो इन सभी के लिए नॉन कॉमर्जेनिक प्रोडक्ट है न्यूट्रीजीना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। ये दी बेस्ट मॉइस्चराइजर है समर के लिए। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आपके चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको ग्रीसी फील नहीं देता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है मॉइस्चराइजर। अब बात आती है सनस्क्रीन की, तो अब न्यूट्रीजीना के अंदर ही SPF 50 अल्ट्रा ड्राई टच सनस्क्रीन है मेरे पास। ये है कुछ इस तरीके का, ये एक जेल फॉर्मूले में है और ये बहुत अच्छे से स्किन को नरिशमेंट भी देता है। आपको 20 मिनट पहले अप्लाई करना है सनस्क्रीन, और इससे क्या होगा कि ये एक वाटरप्रूफ सनस्क्रीन है, तो आपको अगर आप स्विमिंग पूल जा रहे हैं या आप बाहर जा रहे हैं स्वेटी स्वेटी फील कर रहे हैं तो भी ये निकलेगा नहीं बाहर। कोशिश करें कि सनस्क्रीन जो है वो वाटरप्रूफ ही लगाएं, क्योंकि पसीना बहुत आता है और अगर आप बार बार री अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सनस्क्रीन, तो कोशिश करें कि वो वाटरप्रूफ हो ताकि आपके स्किन पर वो बना रहे। तो ये मेरी कुछ जरूरी चीजें थी। इसी के साथ ये जो वन ब्रांड स्किन केयर है वो फिनिश होता है और खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने यूज किए हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट के थ्रू बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आपकी कोई भी सजेस्टेड क्वेरी हो या किसी भी चीज को लेकर आपको परेशानी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए जो इसके साइड में ही होता है। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।